रहती थी, थी मोबाइल उसका भी फेसबुक इंस्टाग्राम चलाती थी, थी वो गलती से वो वो एप्लीकेशन में चली गई तो उसके अंदर सब उसके चैट से मेरी सिस्टर थे ये चैट्स क्या है बोला तो ये उसका है व्हाट्सएप है ऐसा ही रखा हूँ मेरे पास तो फिर ये क्या मैसेज है इसके से क्यों कौन है ये इसके से ऐसे भी बात कर रही है ये तो तेरे साथ है ना ये क्या है सब उसके अंदर सब वाले घर मैसेज oh, हाँ कपड़े कपड़े निकालो

जब उसका एटीएम टी वहाँ पे मतलब एटीएम के लिए वो वहाँ रुका था मैं दूसरा और एक फ्रेंड भी वहाँ पे रुका हुआ था मतलब दोनों मतलब अलग 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 से हाँ अलग अलग से आए थे वहाँ पे मिले थे जी वो लड़का बोला तू जाओ उसके पीछे मैं ए, पैसे निकाल कर आया हूँ ठीक है बोला वो उसको फॉलो फॉलो कर रहा था मुझे फ़ोन किया यहाँ लोकेशन पे यहाँ पे है उसको फिर उस जाके उसको कैच किया उसको सिस्टर को बोला देख बोला उसकी गाड़ी पर कैसे बैठी है अगर आपकी बंदी आपके सामने किसी को ऐसे पकड़ के बैठी हो तो आप कैसा लगेगा वो भी टेन फिफ्टीन डेज ही हुए उसको जॉब में मतलब वहाँ पे लगने लग के एक दो ही वीक हाँ दोई बस दोई इतना दोई। ही उसकी सिस्टर तो ना दूर से ही देख के वो चली गई मुझे देख मुझे देखना नहीं है मैं अभी घर पे जाती हूँ मेरा दादा को सबको बता देती हूँ ये लड़की कैसी है अरे पुलिस में गया नहीं किया नहीं किया एक्चुअली उसको फाइव या सिक्स थाउजेंड रुपीज दे के दिया। फिर उसको क्या दिखा दीवार में रात में पूरा ब्लैक शेडो लेडी फिगर रेड रेड आइज और उसके पीछे वाइट कलर का फोकस लेडी पूरा बाल ऐसे पूरे हिल रहे हैं वो लड़की तुझे देख रही उसको नहीं दिख रहा लेडी फिगर है इतना कंफर्म था सिर्फ आइज दिख रहे थे फिर वो उठा उठ के फिर से सोने लगा उसको वही तो बोला मुझे नींद नहीं आ रही है तू जाके सो जा मैं यहाँ हॉल में सोता हूँ तू रूम में जाके जा ठीक है बोला फिर मैंने सोया सेम फीलिंग मुझे भी कि सब मैं फर्स्ट टाइम देखा हुआ था साम सामने से ठीक है बोला फिर उसके बाद मैंने बोला मुझे भी नींद नहीं आ रही तुझे जो सेम दिख रहा था मुझे भी सेम दिख रहा है फिर तीसरा फ्रेंड मेरा तीसरा फ्रेंड भी मैं गया सोने के लिए उसका भी वही है सेम रीजन सेम सेम रीजन रे, अगर एक कोई हो नहीं हो सकता है कि तीनोंगे तो हाँ, हाँ, फिर मैं हॉल में जाके सो गया मॉर्निंग सेवन ओ क्लॉक सेवन हाँ सेवन ओ क्लॉक सामने से रोने की आवाज आ रही है सामने के घर में उसके के से उसकी आवाज़ केवल सेम तब मैं आउट में ही था हैंग आउट हुआ हुआ, था तो सामने देखा तो सब पूरा घर दी सब पब्लिक आजू बाजू वाले सब जन रो रहे थे काका तो का चल का क्या हुआ है तो ऐसे वो लड़की रहती ना वो फांसी लेकर रात में खत्म हुई सो यो हेलो एंड दिस इज दिशांक डिमले एंड वेलकम 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 बैक टू द पॉडकास्ट आज का पॉडकास्ट इज गो बी डिवाइडेड इन टू टू स्टोरीज वी हैव टू मेजर स्टोरीज मतलब दो स्टोरीज है एक ही बंदे के साथ वो दो इंसिडेंट हो गए थे वी हैव गोपी इन द हाउस गोपी ब्रो ही इज डायरेक्टली फ्रॉम सोलापुर बंदा सोलापुर से डायरेक्टली आया है एंड दैट इज लाइक मेरे गुरु का स्थान है वो बोल सकते कि स्वामी का स्थान है तो इट्स अ ग्रेट ऑनर टू होस्ट समन फ्रॉम सोलापुर तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हम जंप हम लोग जंप करते हैं और डायरेक्टली बात करते हैं क्या है आपकी स्टोरी क्या है आपके किस्से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक मला बोलने बदल एक्चुअली हाँ स्टोरी है हिंदी हिंदी में कर सकते हैं ठीक है हाँ, तो थोड़ा ही करना पड़ता है अपने को okay. है 2014 का हाँ. actually. आई थिंक तब मैं जस्ट ट्वेल्थ पास पास आउट होके के वन ईयर टू ईयर्स हो गया था देन मेरे एक फ्रेंड था कॉमन फ्रेंड उसका नाम नहीं ले सकता ना नहीं नहीं नाम वाम लेने ठीक है ठीक वो मेरा बहुत तब uh, क्या बोलते हैं uh, जिगरी जिगरी भी नहीं बोल सकते मतलब दूर का भी नहीं और नजदीक का भी नहीं बीच में का बीच में मतलब बाय बाय वाला हाई वाला ऐसा फ्रेंड था फिर भी मिलना होता था दो दिन के बाद या वन टू डेज में एक बार ऐसा मिलना होता था बार अच्छा। बार अच्छा। एक्चुअली में क्या हुआ एक दिन उसका कजन है कजन थी तो उसका जो सिस्टर है मेरा जो फ्रेंड है उसका जो सिस्टर उसके मैरिज था उसी में उसके मैरिज में उसके कजिन मिले थे तो उस उस पर मैं भी इनवाइटेड था तो एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स के साथ सबके साथ गया था वहाँ पे देन क्या हुआ दूर से वो जो लड़की थी जो मेरे एक्स थी वो मैंने में, उसे देखा था वो भी मुझे देखी स्माइल किया था दोनों को भी क्या बोलते हाँ वो बोलते हैं ना फर्स्ट वही था तो एक्चुअली क्या हुआ जब मैं खाने को बैठा था तो आई थी मुझे पूछ रहे थे कुछ चाहिए राइस कुछ चाहिए ऐसा कुछ चाहिए बोला नहीं ठीक है मेरे दोस्त भी थे तो वो, वो दोस्त भी मेरा थोड़ा तो, सा ये करने लगे थे हुँ. कि वो लड़की आई तेरे पास अच्छा चल रहा है लाइन मार रही है चाह हम सपोर्ट करेंगे हाँ चढ़ा रहे थे, थे। हा, रहे थे मैं तब उतना ध्यान नहीं देता था, था क्योंकि मेरा बिजनेस था तो मैं बिजनेस में मेरा फोकस था एक्चुअली मैं ट्वेल्थ करके ना आ, ब्रेक किया था मैंने उसके बाद आ, नहीं किया वो ड्रॉप किया क्योंकि मेरा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं था एजुकेशन पे तो मेरा बिजनेस पे फोकस था तो बिजनेस ही कर रहा था एक्चुअली क्या हुआ शादी होने के बाद थ्री डर्स के बाद मुझे उसका एबीपे रिक्वेस्ट आया था तो एक्चुअली मुझे उसका नाम भी नहीं पता नहीं था सिर्फ सर मुझे मालूम था क्योंकि कजिन कजिन तो सर मालूम था ठीक है मैं दोस्त को पूछा एक तो मेरे कज़िन है कि मुझे रिक्वेस्ट आया है क्या करूँ तेरी मर्जी करके बोला ठीक है बोला एक्सेप्ट किया ऐसे एक वन मंथ तक बातचीत चालू रहा मिलना जुलना शुरू रहा बाद में बाद में क्या वहाँ उधर से मुझे प्रपोजल आया था सामने से सामने से तो मैंने एक टू डेज मुझे टाइम लिया उसके ठीक है देखेंगे क्योंकि मुझे भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा लगता था घर घर बना के बैठा हुआ था यहाँ तो मैंने दो दिन के बाद उसका एक्सेप्ट कर दिया और उसके बाद उसको जो भाई था ब्रदर था उसको मैं बता दिया कि ऐसा ऐसा है प्रपोज़ किया हुआ है क्या करूँ ठीक है तू तो अच्छा है मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है कर ले अगर तू तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म करने वाला है तो कर ले शॉर्ट टर्म अगर है टाइम पास वगैरह है तो मत कर ले मैं भी उसको बोला था मेरा इंटेंशन वो नहीं है अगर मैं प्यार करता हूँ तो मैं लाइफ लॉन्ग करूँगा अगर नहीं तो नहीं करूँगा ये बात भी मैंने उससे भी बात किया वो लड़की जी जो थी ना उससे भी मैं बताया था कि अगर तुझे प्यार करना है तो मैं शादी करूँगा ऐसे मुझे टाइम पास करना मुझे भी टाइम नहीं है तो, तेरा भी टाइम वेस्ट मेरा भी टाइम वेस्ट सो अगर शादी करने वाली है तो बता दे वरना मत कर वो बोले मैं शादी करूँगा मैं वगैरह वगैरह ठीक है पहला सिक्स मंथ देखेंगे कैसा रहेगा रिलेशनशिप क्या है, 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 है। फसल ट्रायल तो कर ले वो डेट करके देखना चाहिए था हाँ वो डेटिंग ही ऐसा एक्चुअली डेटिंग ही नहीं था वो क्लोज ही था अच्छा। <laughs> फिर मैंने उसे टाइम दिया था सिक्स मंथ तक जरा होल्ड कर उतना भी डीप में मत मत जा जो है ऐसे कंटिन्यू रहेंगे सिक्स मंथ तक अगर तब तेरे को अच्छा लग रहा है तो ठीक है बोले ठीक है फिर सिक्स मंथ सिक्स मंथ का वन ईयर हो गया वन ईयर का टू ईयर हो गया और बाद में टू ईयर के बाद मैंने घर में बता दिया कि ऐसा एक लड़की है मैं उसे प्यार करता मतलब हूँ तो हाँ मेरे साइड से मैं सीरियस हो गया था उससे एक्चुअली वो भी लड़की उसके घर में बता ही नहीं थी उससे उसका जो कज़न था ब्रदर उसको मालूम था तो वो भी तूने ही तू नहीं हाँ मैं वो खुद मैंने बताया उसके बाद वो भी मेरा सपोर्टिव था क्योंकि मुझे पता है उसको पता है कि मैं कैसा हूँ क्या हूँ क्या करता हूँ बाहर क्या नहीं मैं स्टेटेस क्या उसको सब कुछ पता है उसके घर वाले को कुछ किसको भी पता नहीं था उसकी एक सिस्टर थी वो सिस्टर का जो बॉयफ्रेंड है वो भी वो भी मेरा फ्रेंड सर्कल मतलब सब क्लोज फ्रेंड हाँ क्लोज सर्कल में ही था तो उस, उसको भी पता चला कि ऐसा समय दोनों का कुछ तो चल रहा है वो एक बार मुझे पूछे क्या चल रहा है दोनों का मैं बोला जो है वो मैं उसको बता दिया वो बोले मत कर वगैरह क्यों क्योंकि पता नहीं वो बोले कि मत कर वगैरह ऐसा फिर मैं दोस्त भी बोला था कि देख ले तेरी बंदी है क्या करेगा तू मैंने वो सोचा ठीक है सोचेंगे फिर भी मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो एक्चुअली दो साल हुआ था उसके बाद उसके भी और एक बार पूछा उतरे ऐसे ऐसा सिस्टर है तो सिस्टर ने मना मना कर रही है रिश्ते रिलेशनशिप रखने के लिए तो क्या करने का वो बोली मेरे सिस्टर कुछ भी कहने दे तुझे क्या करना है तेरा और मेरा बीच में की बात है एक्चुअली वो सिस्टर का और इसका भी दोनों का भी जब कभी बनता नहीं था बनता तो सिर्फ फंक्शन में बनता था क्योंकि मेकअप वगैरह फोटो निकालने के लिए सिर्फ़ एक साथ रहते थे बस बाद में बात भी नहीं करते थे घर में मतलब तो दिखाने के लिए हाँ, हाँ सिर्फ दिखाने के लिए जब फंक्शनस आते हैं मदर्स डे बोलो फादर्स डे सिर्फ ऐसे ओकेशनली बस बाकी टाइम पे कुछ नहीं आ, कुछ भी नहीं अगर पार्टी अगर किधर भी जाना है तो अलग अलग जाएंगे एक साथ नहीं जाएंगे दोनों क्योंकि ये जो करती है इसको पता नहीं लगना चाहिए ये जो करती है इसको पता नहीं नहीं लगना चाहिए एक्चुअली दोनों भी सेम माइंडेड दोनों भी दो सबके साथ खेलते हैं लड़कों के साथ यह बात मुझे नहीं पता था बाद में पता चला है आ, तो एक ए, एक दिन मुझे बाहर से आ, मेरे दोस्त मेरा फ्रेंड सर्कल है आ, तो उससे पता चला कि मेरे से पहले भी उसका कोई एक्स था तो मैंने उसको पूछा एक एक दिन मिलने के बाद ऐसा ऐसा तेरा पास में कुछ रहा था क्या वो पता कि पहले तो पहले तो बोली कि नहीं है नहीं है नहीं है बाद में जब मैं फर्स्ट किया हूँ तो बोली हाँ था ठीक है बोला मैं बोला उससे भी कुछ मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे बंदे तो सिर्फ मेरे से लॉयल रहे इतना ही मेरा ख्वाहिश था बस आ, मैं पूछा कि ऐसे ही कि दोनों में कुछ हुआ था क्या फिजिकल तो, हाँ फिजिकली कुछ भी कुछ आ, कुछ हुआ था क्या सीरियसली कुछ हुआ था कितने साल का था रिलेशनशिप सब कुछ पूछा वो बोलिए सिर्फ वन मंथ का था रिलेशनशिप और क्या मुझे बाहर से पता चला कि उनका सिक्स एट मंथ तक उनका रिलेशनशिप था वो बोले फिजिकल कुछ हुआ था मैं पूछा डायरेक्टली वो बोले फिजिकल तो नहीं है जस्ट किसिंग इतना इतना ही हाँ वन उतना ही हुआ जो बोलते हैं ना yeah. फक्त नाश्ता जाए जेवन नहीं चाले सो ठीक है बोला एक ही साथ उससे पहले था क्या वो बोले नहीं था ठीक है एक ही था ना एक फिर, फिर भी मैंने फिर भी लाइट लिया था तो एक दिन क्या हुआ मैंने पुणे को आया हुआ था अकेला मेरे फ्रेंड्स के साथ जो आगे का ये भी आने वाला है और स्टोरी में तो जब मैं पुणे में था तो मुझे मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा वो लड़की बनती है एक दूसरे के साथ मुझे बाइक पे दिखी है बोला क्या बात कर रहे हैं अभी तो जस्ट मैंने फ़ोन किया था वो भी मैं घर में हूँ तबीयत ठीक नहीं मैं फर आया हुआ घर में सोइए बैठी हूँ मैं बोला ठीक है एक बार फ़ोन करके पूछेंगे अपना तो बंदी है फ़ोन तो उठाएगी फ़ोन किया फ़ोन नहीं उठाई फिर से उसको सिस्टर को भी फ़ोन किया था मैंने वो सिस्टर भी फ़ोन उठा के मुझे बोलती है कि नहीं तुम तुम्हारे देख लो मुझे बीच में मत लाओ तुम तुम क्या तो कर कर लो तुम तुम्हारा देख लो तुम तुम्हारा देख लो मुझे बीच में मत लाओ हाथ उठा दी हाँ वो हेल्प ही नहीं करती थी ठीक है बोला फिर वो जो मेरा सिस्टर मेरा जो फ्रेंड था उसका कज़न ब्रदर उससे उसको फोन किया ऐसा ऐसा है जा घर को जाकर देख ले फिर वो एक दिन वो घर पे गया मैं बोलने के बाद तो घर में नहीं थी वो वो बोली उसको जो काकू बोलते ना उस पूछा था उसको कि कुटे गेली कहाँ गई थी बोले मुझे भी नहीं पता कॉलेज के काम से वो बाहर गई है अभी तक नहीं है सुबह गई है अभी तक नहीं आई हुई है मैं सुबह से बात कर रहा था वो घर में है घर की मुझे बोल रही थी घर में हूँ घर में हूँ तू घर पे पहुँच गया था हाँ मैं मेरे फ्रेंड को उसको ब्रदर को मैं भेजा था घर पे देख ले फ़ोन नहीं उठे रही क्या हुआ कुछ रहा? नहीं हाँ फिर वो भी मुझे बोला कि घर में नहीं है वो भी मुझे बोला था मुझे दिया भाई तो अच्छा बंदा है शायद इसका कुछ तो लपटा चल रहा है और बाहर कुछ तो तेरे को जोड़ के दूसरे के साथ भी ऐसा लग रहा है क्योंकि फ़ोन भी नहीं उठा रही मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही उठा रही है ऐसा बोला था ठीक है बोला मैं दो दिन के बाद आया सोलापुर में बाद में मिला उससे मैं बोला ऐसा ऐसा उस दिन कहाँ पे थी तू तो? वो बोली नहीं ऐसे ऐसे कॉलेज के काम से मैं बाहर गया हुआ था कौन सा काम था कॉलेज का जो सेमिस्टर का जो कुछ तो बोली थी मुझे वो कंप्लीट करना था हाँ ऐसे ही ठीक है बोला उसके एक फ्रेंड थी मेरी एक्चुअली अभी अभी तो वो मेरे भी फ्रेंड थे अभी उसकी फ्रेंड नहीं रही तब उसकी फ्रेंड थी वो अभी वो मेरी फ्रेंड हो गए तो मैंने वो कॉमन फ्रेंड थी तब मैं उसका पूछा कि ऐसा ऐसा लड़की ऐसा-ऐसा है मेरे एक्स जो है तो ऐसे कल आई थी का कॉलेज पे वो बोले कल कॉलेज नहीं था छुट्टी पे क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं तो सबको छुट्टी दी मैं उसको बाद बोला कि ऐसा ऐसा कॉलेज ही नहीं था तेरा तो तू कहाँ गई थी सच बता अभी तो सच बता झूठ मत बोल फिर भी वो बोलने लगी ऐसा ऐसा फ्रेंड्स के पार्टी थे फ्रेंड्स के पार्टी में गया था इंजॉय करा थोड़ा ड्रिंक वगैरह करके घर पे आई हुई थी रात में आई थी वो मॉर्निंग निकल के रात में दस बजे ग्यारह बजे कुछ आई थी वो भी ठीक है बोला मैं कुछ प्रॉब्लम नहीं है पर जो है सच बता बता देना बता दे जो भी रहेगा तेरा मुझे बता दे मैं कुछ कहूँगा Hmm. कुछ करूँगा सिर्फ बता क्लियर hmm. कर ले तो मुझे भी कुछ डाउट नहीं आएगा ना इवन hmm. ऐसा अगर बार बार hmm. आप झूठ बोलोगे तो किसको किसी को भी थोड़ा hmm. सा थोड़ा ये आएगा ना डाउट hmm. मैं उसको यही बात बोला बार बार बोलता रहा कोई भी एक अच्छा इंसान है तो उसका फायदा लो मगर गैर फायदा मत लो hmm. इतना ही उसको बार बार बोलता रहा फिर भी वो मेरा गैर फायदा लेती रही बार बार ठीक है बड़ा फिर एक दिन क्या हुआ उसका जो कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे किसी का एक का बर्थडे था वो बर्थडे में वो लड़का तो वो लड़का जो है ना उसको भी पता कि ये मेरी बंदी है, है। उसने क्या करा दोनों को इन्वाइट किया था बर्थडे पार्टी पे ठीक है मैं सो बर्थडे पार्टी पे गया नाइट को था एक्चुअली मुझे जाने का मन ही नहीं था एक्चुअली अच्छु... क्या हुआ था उससे पहले वो क्या बोल रहे थे कि सिर्फ मुझे जाना है तू मत तुझे बुलाया ना फिर भी तू मत सिर्फ मैं ही जाऊँगा बोला ऐसा कैसा तू क्यों जाएगी वो मुझे भी इन्वाइट किया हुआ है ना दोनों कपल ही है ना फिर दोनों साथ में जाने, जाने में कुछ क्या फ़र्क पड़ता है तुझे नहीं, नहीं मत वो मेरे फ्रेंड से है दे तेरे फ्रेंड से तो वो मुझे खुद बंदा कॉल किया है बर्थडे पे हाँ तो नहीं आऊँगा क्या अगर मेरे बंदी है तेरे को अकेले छोड़ो उनके उनके साथ ड्रिंक करते कुछ होगा गलत भी होगा तो सेफ्टी के लिए तो मैं तो रहूँगा रह, के तो तो ही। वो, वो तो सामने हाँ। ने तू जाना तो पड़ेगा। है। हाँ। वो, वो बंदा ही बोल रहा है तू आ करके बोल रहा है ठीक है, बोला है। उसके बाद क्या हुआ मैं उसको पिकअप करने वाला था मैं पिकअप करने से पहले वो दूसरे बंदे के साथ गई हुई थी हाँ दूसरे बंदे के साथ गायब हुई थी मैं उस घर के पास जाके फ़ोन कर रहा हूँ मैं बार बार फ़ोन नहीं उठा रही है फ़ोन नहीं उठा रही फिर जो जिसका बर्थडे था उसके मैं फ़ोन किया वो बोल रहा है कि वो तो अभी तो आई मेरे गाड़ी पे अच्छा। <laughs> वो बंदा बोल रहा है मेरे गाड़ी पे आई है वो अच्छा मैं बोला वो मेरी बंदी है मैं उसको बताया था मैं आने वाला हूँ फिर भी वो तेरे साथ क्यों गई है सस्पिशियस हो गया था ठीक है बोला वो थोड़ा सा मेरे को हिंट मिला चुप साइलेंट था ठीक है बोला उसको मैं फोन कर कंटिन्यू में बाइक पे बाइक चला चला रहा उसका फोन करता है मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही थी वो कंटिन्यू कर रहा था आधा पौने घंटे से कर रहा था तो लोकेशन पे जो लोकेशन था वहाँ पे पहुंचा पहुँचने के बाद नीचे मैं नीचे नीचे था ऊपर एक सो, मतलब क्या बोलते उसको आ, फर्स्ट फ्लोर का पूरा ये बना हुआ था वहाँ पे सब पार्टी चल रही थी ग्राउंड फ्लोर पे जो ना पार्किंग था ऊपर जो है ना हॉल टाइप बोल सकते हॉल भी नहीं है हॉल हाँ, टाइप ही बोलो वहाँ सब मिलेगा वहाँ पे जब जैसा पब होता है ना हाँ। उसी टाइप पे थोड़ा छोटा वाला हाँ। मिनी पब वैसा बोल सकते हो होटल बोल सकते चल हाँ प्राइवेट ही प्राइवेट हाँ, प्राइवेट ही तो मैं जब आ रहा था वो ऊपर से मुझे दिखाई दे रही थी वो लड़के के साथ हाथ पे हाथ मिला ऐसे बैठी हुई बात करते हुए मैं ऊपर जब मैं चला रहा ना मुझे लोकेशन पता था पहले से वो मैं ऊपर से देख रहा था वही लड़की मेरी बंदी है क्योंकि उसको मैं पीछे से भी देखता हूँ ना हजारों में से वो लड़की मेरी है बंदी मैं पहचान सकता हूँ पीछे से भी वो मेरी बंदी है इतना मुझे गारंटी था ड्रेस कलर भी था देखा था ठीक है ऊपर गया हूँ जब मैं जैसे मैं ऊपर आया हूँ वैसे वो लोगों को पता चला कि मैं आ रहा हूँ क्योंकि वहाँ बॉडी गार्ड वगैरह थे वहाँ पे भी बना हुआ था सब मैंने चेक कर तब मुझे देखा था कि मेरा बंदा आया हुआ है तो दोनों भी अलग हुए तो मैं इसको पूछा मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठार गए तू तो? बोले मैं देखा नहीं साइलेंट में था देखा नहीं है क्या पीती रात में क्या मोबाइल है फिर इतना कॉल्स आया हुआ है सब कुछ देख नहीं दिखता क्या हाथ तुम तेरा मोबाइल तो हाथ में ही रहेगा ना साइलेंट में रहा तो भी कमी था पाँच दस मिनट के बाद इंसान देखेगा मोबाइल कुछ मैसेज आया हुआ कुछ करेगा मोबाइल पकड़ के बोले नहीं देखा नहीं था ठीक है बोला तो चल बोला पहले यहाँ से मुझे बात करनी है तू चल बोला नहीं 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 आऊँगी नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी फिर वहाँ जो फ्रेंड्स था जिसका बर्थडे था वो भी मुझे फोर्स कर रहा था नहीं अभी मत जा सब पार्टी होने दे तब लेके जा जो भी बात करनी है तो उसको लेके जाके बाद में बात कर अभी पार्टी का माहौल है पार्टी एंजॉय कर ठीक है सब पार्टी सब हुआ जब उसको मैंने पिकअप किया हूँ घर पे छोड़ने के लिए तब भी वो मेरे से आने के लिए थोड़ा सा उसको आ, डर रही थी वो मैं कुछ बोलूँगा कुछ करूँगा उसके साथ ही आना चाहती थी मैं बोला कुछ नहीं करूँगा तेरे घर को छोड़ूँगा और मैं जाऊँगा जो भी बात है मैं कल बात करूँगा अभी कुछ भी बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेड लेट हुआ था तो उसको घर पर छोड़ा मैं घर पर गया और मॉर्निंग में उसको कॉल करके बुलाया मैं एक लोकेशन पर वहाँ पर मिले तब तो मैंने उसको पूछा तो सच बता तुम उसे प्यार करती है कि कर नहीं करती है, है। तो प्यार तो करती हो इसीलिए तो मैं तेरे लिए इतने साल से दो साल से मैं तेरे साथ रहा हूँ ठीक है बोला उसके बाद आ, वो भी उसको माफ़ किया कुछ भी मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया था मैं भी लाइट लिया चलो इसका काम फ्रीडम रहने थे कितना इन्जॉय करेगी बाद में मैरिज चाहिए बात तो कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा जो करना है अभी कर लेगी चलो ठीक है करके मैं भी उसे थोड़ा सा लूज़ करना छोड़ती फिर उसका वो फ़ायदा उठाना शुरुआत की कॉलेज में किसी भी लड़के से बात करना और मुझे भी बाहर से भी बातें पता चलती थी कि वो लड़की बराबर नहीं है ऑलरेडी इसके उसके साथ जा रही है इसके साथ जा रही है ऐसे मुझे सुना ही दे रहा था बार 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 पीछे से मैं फिर भी इग्नोर किया मेरी बंदी है जब मैं लाइव देखूँगा तो मुझे तो हाँ अब कैसा है जो भी कुछ भी कहेंगे तो आप उन मतलब वो माइंड में नहीं ले सकते जब तक आप नहीं देखते हाँ देखते नहीं जब तक नहीं देखते तब तक विश्वास नहीं विश्वास नहीं बैठेगा तो मैंने उसमें वो भी बोला तू तो कॉलेज जाती है ना ठीक है जहाँ लड़का लड़के तेरे फ्रेंड्स है ठीक है फ्रेंड्स के साथ बात कर तो इतना भी फ्रीली बात मत आ, फ्रीली बात मत कर कि उनको भी थोड़ा सा फीलिंग आ जाए तेरे लिए इतना भी फील सब उसको बात मत कर या फ्री फ्रीली बात मत कर बोले क्या करूँ मैं मैं फ्रेंड से बात करना पड़ता है अरे तू बात करती है ठीक है चल तू अच्छे अच्छे से सोचो तो बात करती है पर जेंट्स बॉयज कैसे है मुझे पता है कैसे रहते हैं मुझे पता है उनका मुझे सोच कै, कैसा रहता है एक लड़की के बारे में वो मुझे पता है वो बोली ठीक है ठीक है करके फिर भी उसका कंटिन्यू ऐसे चल रहा था कोई भी बॉयज मिले तो बात करना या बाहर जाना घूमना अगर बाहर भी जाती है तो मुझे जुट को मुझे जुट बोलती थी मैं घर में हूँ तबीयत ठीक नहीं है घर पे सोई ही हूँ यही रीज़न फिर भी मुझे पता चलता था मैं फिर भी चुप बैठा था एक्चुअली अभी यह रिलेशनशिप शिप जो है ना सेवन साल सेवन ईयर्स हाँ सेवन सेवन ईयर्स ऐसे कंटिन्यू चलता रहा पागल बना रही थी हाँ कंटिन्यू मैंने क्योंकि मैं मुझे मेरे घर में ही पता चला था एक्चुअली क्या हुआ जब हम दो साल के बाद जो क्लोज हुए थे उसके बाद मैं उन वो क्या बोलिए तेरा घर अच्छा नहीं है तो तेरे लिए थोड़ा तो सा अच्छा वाला घर ले ले तब मैं मेरे घर में कुछ मना सकता हूँ मना सकती हूँ कि दौड़ कर हाँ वैसे टाइप बोल सकते हो तो उसके लिए मैंने घर ले लिया मैं खुद का घर छोड़ के मेरा मम्मी पापा के बिना उनके मतलब उनका चले नहीं पता चले नहीं उनका पता था पर उनका जो है ना उनका मन पुराने घर में ही रहता था नया घर में जाने के लिए उनको अच्छा हाँ। नहीं लगता था फिर तो भी मैंने तो फोर्सफुली उन दोनों को मैंने लेके गया न्यू घर में चलो ठीक है वो भी कैसा मैं अकेला हूँ अपना ही बच्चा है क्या आपने ले करेंगे मैं अपने लेके रहेंगे फिर शिफ्ट करने के बाद उसको भी दिखाया घर देखिए अपना घर है नया ये वाला है यार रहने का है तब वो भी थोड़ा एक्साइटेड अच्छी अच्छे मतलब एक दस पंद्रह दिन थोड़ा सा अच्छे से रहे बोले रियल कपल जैसे रहे बातचीत करना जो है वो लाइव वीडियो कॉल करना जहाँ भी रहेंगे फिर उसके बाद क्या हुआ बीच बीच में क्या क्या होता था मैं उसको इंस्टाग्राम का पासवर्ड पूछ रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा तो डाउट होता था, था ना बीच बीच में इसकी वो किसके साथ जा रही है कि किसके साथ कुछ गलत कर रही है क्या एक्चुअली मेरा जो इंस्टाग्राम आई उसके पास था ही था पहले से वही इंस्टाग्राम आई किसी का किसी को देना भी और लेना भी

वो भी दस बार पूछने के बाद तो मुझे देती थी पासवर्ड और एक दो दिन के बाद चेंज चेंज ये लॉकडाउन ऑफ द किसी का मैसेज आया तो मेरी रीड करूंगा ना तो चेंज पासवर्ड फिर ये भी चलता रहा ऐसे ही चलता रहा एक बार क्या किया कि मैंने व्हाट्सएप उसका हैक कर लिया एप्लीकेशन <laughs> था ऐसे ही कुछ आ, नेट पे तो उसे स्कैन करके कीवर्ड को स्कैन करके पूरा व्हाट्सएप अपने ही लॉगिन किया हुआ था जो भी वो ऑफलाइन है ऑनलाइन है क्या भी है उसका कैमरे भी मैं वहाँ से खोल सकता हूँ मेरे मोबाइल से उसे कैमरा भी ऑन कर सकता हूँ उसका रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ सब कुछ कर सकता हूँ तो मैंने एक बार क्या हुआ गलती से वो मेरा मोबाइल मेरी सिस्टर के पास थी वो मेरा मोबाइल यूज़ करती है वैसे भी तब मेरा नहीं हाँ छोटी सिस्टर है आ, वो लेती थी मोबाइल उसका भी फेसबुक इंस्टाग्राम चलाती थी वो गलती से वो उस एप्लीकेशन में चली गई तो उसके अंदर सब उसके चार्ट से मेरे सिस्टर देखिए ये चैट्स क्या है तो ये उसका है व्हाट्सअप है ऐसा ही रकम हूँ मेरे पास बोले तो फिर ये क्या मैसेज है इसके से क्यों कौन है ये इसके ऐसे भी बात कर रही है ये तो तेरे साथ ही है ना ये क्या है सब मैसेज उसके अंदर सब बोले मैसेज हाँ कपड़े कपड़े निकालो सेक्स कर रही हाँ ऐसे ही कपड़े निकालो अंडर गारमेंट निकालो क्या लग रही साल रिलेशनशिप हाँ, चल रही है हाँ क्या लग रही हो उसका मैसेज जो सामने वाला था उसका मैसेज फिर उसको मैं बोला कि ऐसा ऐसा क्या है क्या मैसेज है तु, तु, वो बोली तुझे कैसे पता चला बोला जो है बोला मैंने ऐसा तरह व्हाट्सअप है इसलिए मुझे पता चला फिर वो मेरे सामने रोने लगी कि ऐसा ऐसा एक इंस्टाग्राम पे मुझे एक फ्रेंड एक आईडी मिली थी उससे बात किया था मैंने वो एक मॉडल था मतलब मॉडलिंग सिलेक्शन करता था तो उसको मॉडलिंग करने का बहुत शौक था पहले से ही शौक था था उसका फेमस होने का उसको फेमस होने का था एक्चुअली एक्चुअली शॉर्ट फिल्म किया साउथ hmm. uh, में शॉर्ट फिल्म मूवीज में भी काम किया हूँ hmm. सोलापुर में भी शॉर्ट फिल्म में काम किया हूँ hmm. तो उसको भी क्या था कि मेरे लिंक से उसका भी कुछ हो जाए हो जाए, हो जाए। मैं बोलता था फील्ड कैसा है क्या है मुझे पता है इसलिए मैं इतने साल वहाँ पे, पे काम करके पूरा वहाँ पे काम करके पूरा एंड किया हूं। मुझे पता चला कि वो इंडस्ट्री कैसी है वहाँ की नहीं चलेगा तेरे से अगर तू करेगी तो तेरा फायदा नहीं दूसरे का फायदा होगा तेरे वजह का हाँ। <laughs> से हाँ, तो कास्टिंग बोल रहा था फिर भी वो समझते नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा तो है ना फिर तो कुछ नहीं करेगा क्या मेरे लिए अरे बाबा ऐसा नहीं होगा तो कितना भी कुछ भी कर ले सामने वाला अगर तगड़ा है तो कौन कोई भी इंसान उसके सामने झुकना ही पड़ता है hmm. अगर तुझे इंटरेस्ट है करने में तू अभी उसको मैं बोल नहीं सकता कि तू कैसी थी, कैसी थी है तू हाँ भी कर सकती है वैसे बंदी थी वो इसलिए मैं उसको इजीली इजिली इजीली इजीली फिर वो बोले कि वो एक लड़का मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था वो मॉडलिंग का जो सिलेक्शन है उसमें चांस देता था करके बोला ठीक है हाँ तो उसने व्हाट्सअप का एक नंबर दिया था व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल करके जो है तेरा मतलब फिगर मुझे दिखा मैं बोला कुछ तो है कुछ समझ में तो आएगी ठीक है अगर शर्ट भी है तो सिर्फ शर्ट निकाल सकती है जो अपना अंडर गारमेंट्स वो तो रख सकती है अगर मॉडलिंग करना है तो फोटोग्राफी में उतना तो चलेगा राइट मैं बोला तू तो पूरा कैसे निकाल सकती है जूती है दिमाग से तो है क्या बोला हाँ वो रोते हो तो मुझे ऐसा ऐसा हो इसलिए मैं वो सब चार्ट से उसके बोला तो वो लड़का कौन है मुझे नहीं पता अभी वो मुझे ब्लॉक मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है मुझकी मुझे ब्लैकमेल करूँगा मैं एस ऐसा ऐसा मुझे कुछ अमाउंट चाहिए बोला तो पहले चल साइबर कैफ़े चलेंगे बोला फिर साइबर में कुछ मेरे पहचान के थे उसके बोल दिया कि ऐसा 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 हुआ पूरा स्टोरी बताया उसको वो तो बोला इसको कुछ नहीं कर सकते हज़ारों केसेस आते हैं हमारे पास बिकॉज़ उसने उसने दिया खुद से हाँ खुद से भी है वो वो भी क्या बोला अच्छा हुआ कि एक दो दिन के बाद वो खुद से वो फोन आ, मतलब जो धमकी देता था, था ना वो पूरा बंद हुआ क्यों बंद हुआ मैं खुद फ़ोन किया था उससे फ़ोन करके मैं उसे बोला कि भाई आप कौन हो कहाँ से हो मैं साइबर कैफे से साइबर से बात साइबर कर हाँ साइबर सेल से मैं बात कर रहा हूँ जो भी है तेरा लोकेशन पता चला है मुझे कैसा पता चला जो मेरा फ्रेंड था ना साइबर में वो मुझे प, आ, लोकेशन भेज भेजा था वो एक्चुअली लोकेशन था पाकिस्तान का ऊफ ये तो हनी ट्रैप जो ट्राइप हो गया भाई एक्चुअली <laughs> है तो लोकेशन पाकिस्तान का मैंने उसे इतना बताया तेरा लोकेशन है पाकिस्तान का अभी आगे के बताओ क्या मुझे पता नहीं था फिर इतना ही बोला वो बोला सॉरी भैया गलती हो माफ़ करो सब डिलीट कर दूंगा करके बोला फिर कॉल कट किया उसके बाद उसका एक भी फ़ोन नहीं आया कुछ भी नहीं आया सच्ची में पाकिस्तान का हाँ पाकिस्तान का था लोकेशन मैं बोला सिर्फ वो लोकेशन में पता कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हो फिर भी वो दो दिन के बाद मुझे वो लोकेशन पता चला कि वो पाकिस्तान का है एग्जैक्टली वो कहाँ का है मुझे वो नहीं पता चला फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ एक दिन मेरा बड्डे आया था वो मेरा बड्थडे वो खुद कर रही थी मुझे सरप्राइज देने के लिए तो मेरे बड्डे में एक चार ही फ्रेंड थे सिर्फ चार पाँच फ्रेंड थे एक वो एक में मेरी तरफ़ से दो फ्रेंड्स हैं उसके तरफ से दो फ्रेंड्स टोटल टोटल सिक्स तो मुझे सरप्राइज़ देने के लिए वो बोल रहे हैं कि हम सब डेकोरेशन कर रहे हैं यहाँ पे आप बाद में आ जाओ एक आधे घंटे के बाद लेट आ जाओ ठीक है बोला फिर जाने के बाद सब अच्छे से पार्टी हुआ केक कटिंग हुआ वो बोली मुझे मुझे एक सिर्फ एक कोई शेयर करके बोल क्या है आज मेरे बर्थडे है क्या है बोल। कुछ नहीं है या वहाँ पर रेस्टोरेंट था ना पूरे आ, पूरे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे उनके सामने मुझे प्रपोज कर उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं है तो प्रपोज करेंगे रोज़ लिया प्रपोज़ किया सब हुआ जब घर को आया नेक्स्ट डे क्या हुआ मेरे फ्रेंड ने मुझे बात बोली कि ऐसा ऐसा जो रेस्टोरेंट में तेरा बर्थडे हुआ था मुझे एक मैटर हुआ बोला क्या मैटर हुआ? अच्छे तो पार्टी हुआ और क्या मैटर हुआ मतलब पैसों का मैटर है क्या पैसों का मैटर है वो बोल रही कि तेरी बंदी ऐसे ऐसे लिफ्ट में कपड़े चेंज कर रही थी तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया जो रिकॉर्ड करने वाला था वहाँ पे जो था वो रिकॉर्ड करके उसको वो भी ब्लैक करने लगा तू मेरे साथ वन नाइट या टू नाइट स्टैंड कर क्यों रिकॉर्ड कर रहे थे उसको <laughs> क्या वो एक कॉमन सेंस से लिफ्ट में कोई कपड़े चेंज करता लिफ्ट लिफ्ट में में अरे देवा बहुत हो गया ओवर हो गया थोड़ा फिर वो लड़का वो लड़का उसके ब्लैकमेल करने लगा तो मैं वो लड़के के से लड़की के से मिला था मिल के बात किया हूँ ऐसा ऐसा वो बोला नहीं मुझे उसके उस, पैसा तो चाहिए या वन तो चाहिए उसके साथ एक्चुअली वो लड़का तो जो, जो था ना इस पर मरता था वो मतलब बोलते हैं ना एट्रैक्शन था इस पर दोस्त था कि रेस्टोरेंट में काम दोस्त ने सिर्फ ऐसे पहचान फ्रेंड्स बोलते हैं ना फ्रेंड्स का फ्रेंड्स फ्रेंड्स का फ्रेंड्स तो इसको सीसीटीवी फुटेज किधर से मिला वो उस रेस्टोरेंट्स में काम करता था सीसीटीवी कैमरे सिक्योरिटी गार्ड कैमरे सिक्योरिटी गार्ड बड़ी पुलिस में गया नहीं किया नहीं किया एक्चुअली उसको फाइव या सिक्स थाउजेंड रुपीज़ दे मैटर क्लोज करवा दिया था तो भी यार मैं उसके बाद वो ये मैटर मुझे पता है है उसको भी पता चलने नहीं दिया मैंने कैसे सॉल्व हुआ है पता नहीं चलने दिया तू हाँ, नहीं दे दिया पैसा हाँ मैंने दे दिया मेरे मैंने मतलब मैं मेरे फ्रेंड्स को देके के उसको दे, देने तो लगाया वो भी कैसे देने लगाया कि मैटर मुझे पता है उसको पता नहीं चलना चाहिए जो उसकी कॉमन फ्रेंड थी मेरी भी फ्रेंड थी मैंने उसको पैसा दिया था कि वो अगर पूछेगी पैसा देने के लिए उस लड़के के लिए तो फिर पैसा ले लें उसको दे दे उसको बोल तू दिया है तो वो वो लड़की जाके वहाँ से मैटर क्लोज करवा के लाई उसे उसे क्या लग रहा था कि मुझे पता नहीं है कि, म, कि मतलब क्या हुआ है क्या नहीं है मैं फिर भी साइलेंट रहा मुझे भी मैं भी बोला कि मुझे कुछ भी पता नहीं है ऐसे है रहा था सो so, एक दिन क्या हुआ सेवन सेवन एंड हाफ ईयर्स हुए relationship. मतलब, हाँ रिलेशनशिप में तो वो उसका एजुकेशन भी हुआ था तब तक तब mm -hmm. तो वो जॉब करना चाहती थी बोला कहाँ पे जॉब करना चाहना जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे जॉब करूँगी उसका लास्ट ईयर बचा हुआ था सिर्फ लास्ट ईयर वो मतलब बोलते हैं ना ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए जॉब करना चाहती थी ठीक है बोला जा बोला प्रैक्टिस के लिए अगर तो, जॉब करना है तो कर ले क्योंकि बाद में तो कुछ नहीं कर सकती है मैरिज के बाद कुछ भी कर मतलब कर नहीं सकती है ज्यादा नहीं था हाँ अगर वैसा भी अगर तुझे जॉब करना भी है तो कर सकती है पर जब जो है फ्रीडम है ना तब नहीं रहेगा तो मेरा माइंड सेट यह माइंड सेट जो माइंड uh, सेट uh, जो था ना वो अलग ही था मैंने उससे बता दिया कि ठीक है तू जॉब पे। वो महिंद्रा में जॉब कर रही थी तो वहाँ पे एक लड़का था मैं उसको महिंद्रा में क्यों जाने दिया वहाँ पे भी मेरा पहचान के थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह अच्छा, हाँ तु बेसिकली तो कंट्रोल रख रहा था कंट्रोल रख रहा था पर वो नहीं रह रही थी मेरे तरफ से मैं सिक्योरिटी उसको दे रहा था

वो तेरे मतलब तेरे लेवल की नहीं है तू तो छोड़ दे उसे बहुत लोग मुझे बोले थे ऐसा फिर भी मैंने लाइट लिया छोड़ दे क्या करना है जिंदगी एक ही बार रहती एक ही बार मुझे लड़की को पसंद आई अच्छा चल रहा है इतने साल से चल रहा है तो चलने दे दी मैं उसके ऊपर मतलब इतना प्यार क्यों करता था क्योंकि मुझे मेरे घर वाले को सबको पता था अभी सेवन साल मतलब उनके घर में भी तब तक पता चला ऑलमोस्ट फिर इसलिए मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं मतलब उससे वो जब मेरे रिलेशन थी रिलेशनशिप में था ना तब भी मेरा प्रपोजल आए थे मुझे एक्सेप्ट नहीं किया हूँ ये भी बात उसको भी पता थी दूसरे शादियों का लड़कियों का लड़कियों का इवन उसके फ्रेंड्स के भी मुझे प्रपोजल आए थे मैं बोला वो ऑलरेडी मेरा है तो कैसा रहो नहीं कुछ भी नहीं रहूँगा उसको पता नहीं चलने दूँगा अपन रहेंगे मैं बोला नहीं मैं लॉयट रखता हूँ मुझे उससे शादी करनी है तो उससे ही करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा ये भी बात उसको पता थी और वो क्या कर रही थी उसके जो जो फ्रेंड्स फ्रेंड्स थे वो जो मेरे हो रहे थे ना उनके ऊपर ऊपर वो जलना शुरू हो गए। अच्छा। क्योंकि उनका भी थोड़ा सा अट्रैक्शन था मेरे धीरे-धीरे अच्छा। धीरे-धीरे फीमेल फ्रेंड्स उसके फ्रेंड्स अच्छा। क्योंकि मैं जो मैं उससे रोज मिलने था ना पिकअप करने या तो फ्रेंड्स थे वो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर अच्छा सेम मतलब हम लोग हाँ इसलिए मेरे घर वाले भी ओके थे आ, तो एक दिन क्या वो जॉब कर रही थी ना वहाँ पर मुझे मेरे फ्रेंड्स बोले एक्चुअली वो जॉब करके टेन टू फिफ्टीन डेज ही हुआ था वो जॉब कर रही थी मुझे फ्रेंड्स बोले वहाँ के तेरे बंदे ऐसे ऐसी जो सीनियर है उसके साथ वो बात कर रही है बार बार क्या तो रहेगा देख ले मुझे तो देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है उन वो दोनों मतलब उसका केबिन या अलग अलग केबिन रहता है ना स्माइल देना हंसना जाते टाइम मुड़ के देखना ऐसा कुछ चल रहा था वो मुझे फ्रेंड्स बताया ठीक है एक बार पूछता हूँ मैंने उसको पूछा पुछ, ऐसा सब क्या चल रहा है वो बोले कि क्या नहीं वो मेरे ऊपर थोड़ा सा लाइन मार रहा है मैं उसको कीमत नहीं दे रही हूँ बोलते ना कौड़ी सा भावपन देते नहीं मित्र वो तो कहते तो हैं मजे मांगा लगता है सो कोड़ी का भाव भी नहीं दे so, हाँ मैं बोला ठीक है अच्छी बात है तो भाव ने तेरे तो अच्छी बात है तेरे नहीं तो मेरे लिए तो अच्छी बात है तो फिर एक दिन क्या हुआ रात रात को बारह बजे मतलब मेरा रात रात भर बार बारह एक बजे तक तो मेरा कॉल उसके साथ कंटिन्यू रहता था डेली का डेली का था हुँ. एक दिन क्या हुआ दस ग्यारह बजे वो फ़ोन कट कर, कट करना शुरुआत कर दिया उसके बाद फ़ोन कर रहा हो तो बिजी बिजी आ रहा था उसको हुँ. मैं उसको एक दो बार पूछा क्या है सब भी थी? नहीं वर्कलोड था मेरा इसलिए फ़ोन चालू है कॉन्फ्रेंस थे हमारे रात को हाँ बोल इतना रात में क्या रहता है और दूसरे दिन बोलने वाले मेरा कॉलेज का काम था इसलिए मैं फ्रेंड से बात कर रही थी क्या करना है क्या नहीं इतने रात में नहीं रहता है जब बिजी रहता था ना मेरा कॉल कट करती थी कंटिन्यू कॉल करता था कंटिन्यू एक दिन तो एक दो घंटा कंटिन्यू कॉल किया था मैं टू आवर्स कंटिन्यू कॉल किया था तब भी रिसीव नहीं किया तब मेरा थोड़ा सा हुआ अभी क्या इसका फाइनल करेंगे बहुत हुआ है hmm. तो मेरे फ्रेंड्स को बोला दूसरे उसके दूसरे दिन ही ये लड़की जब आएगी ना मुझे आ, मुझे फ़ोन कर और वो जो लड़का है hmm. वो क्या करते है वो भी मुझे इंफॉर्मेशन देते जा ठीक hmm. है करके बोले मेरे फ्रेंड्स फिर आ, मैंने उसके जो सिस्टर थी उसको बताया कि ऐसे ऐसे इसका चल रहा है बाहर तो देख ले वो बोले है ना तेरा तो इतने साल से तुम तुम्हारा दोनों का चल रहा है तो उसके बाद से तो नहीं इम्पॉसिबल है बोलो एक बार देख ले तू लाइव एक्चुअली ऑफिस जब टाइम होता था ना तो ये लेने आती थी मैं बोला तो आज मत मत, मत जा उसे बोल कुछ तो रीज़न बता दे तुम मत जा वो बोली ठीक है हम दोनों मिल को एक आफिस, उसके ऑफिस के पास रुके एक जगह पे उसको बताया कि मैं नहीं आऊँगा मैं उसको बोला था कि अधिक तू नहीं आएगी तो वो उसके साथ जाएगी ये तो हंड्रेड परसेंट श्योर है तो ठीक है करके बोली उसके बाद आ, उसने क्या किया वो लड़के को फ़ोन किया फ़ोन की कि ऐसे एस ऐसा मेरी सिस्टर नहीं आ रही है मुझे छोड़ दे फिर मेरा फ्रेंड से बोला कि भाई ऐसे एस ऐसा उसको कॉल आया दोनों को चल रहा है कुछ तो करके बोला वो गाड़ी निकाला वो लड़का ऑफिस से थोड़ा सा दूर जाने के बाद वो उसके गाड़ी पर बैठी मैं मैं मेरे फ्रेंड्स को बोला कि उसको फॉलो कर एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स भी उसको फॉलो कर रहे थे उस गाड़ी निकालने के लिए पूरा पार्किंग अभी जब ऑफिस छूटतेगा तो पूरा गर्दी रहता है तो उसको तो निकलने में टाइम लगा तब तक वो थोड़ा सा आगे चले गए थे अच्छा। मैं मेरे दोस्त को बोल रहा था अरे भाई हे तू अच्छा चांस है उसको पकड़ने के लिए तो क्यों ऐसा कर रहा है उसके पीछे अरे भाई मैं क्या करूँ फिर भी हम हाँ फिर भी हम उसके पीछे यहाँ वहाँ घूमे वो मिलने के लिए रड़ी नहीं थे तो फिर मेरे दोस्त से क्या क्या यहाँ वहाँ जाको ना एक ए के पास जाके रुका उसका कुछ पर्सनल काम था पैसा निकालने के एटीएम में घर ए में जा रहा था तो उसके सामने सो दोनों गए बाइक से बाइक से बोलिए ऐसे ऐसे ब्रदर ऐसे ऐसे मुझे दिख गई है फिर से मैं उसको अभी ए एटीएम इधर ही रहने दो मैं जाता हूँ उसके साथ पहले तेरा काम करता हूँ मैं बोला नसीब इतना अच्छा है भगवान देखो जब उसका ए टी एम वहाँ पर मतलब ए टी एम के लिए वो वहाँ रुका था मैं दूसरा और एक फ्रेंड भी वहाँ पे रुका हुआ था मतलब दोनों मतलब अलग 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 से हाँ अलग अलग से आए थे वहाँ पे मिले थे जी एस टी वो लड़का बोला तू जा उसके पीछे मैं पैसे निकाल को आया हूँ ठीक है बोला वो उसको फॉलो फॉलो कर रहा था मुझे फ़ोन किया यहाँ लोकेशन पे यहाँ पे है मैं उसको फिर उस जाके उसको कैच किया उसको सिस्टर को बोला देख बोला उसकी गाड़ी पर कैसे बैठी है अगर आपकी बंदी आपके सामने किसी को ऐसे पकड़ के बैठी हो तो आप कैसा लगेगा वो अभी टेन फिफ्टीन डेज ही हुए उसको जॉब में मतलब वहाँ पे लगने लग के एक दो ही वीक हुआ हाँ बस इतना ही उसकी भी सिस्टर तो ना दूर से देख के वो चली गई मुझे देख मुझे देखना नहीं है मैं अभी घर पे जाती हूँ मेरा दादा को सबको बता देती हूँ वो लड़की कैसी है फिर वो गई मेरा मन तो कैसा उसके पीछे पीछे चला गया कि फिर क्या किया मेरे मोबाइल लिया मेरे मेरे प्रूफ के लिए मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया पीछे से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया उसको पूरा पकड़ के बैठी थी मेरा आँख में से पूरा पानी आया आप फीलिंग समझ सकती हो अगर सेवन ईयर्स का रिलेशनशिप है आपका और आपके सामने वो बंदी किसी को पकड़ के बैठी है गाड़ी पे तो कैसा लगेगा तो जब रिकॉर्डिंग कर रहा था उसको क्या हो गया जस्ट वो मुड़ के देखी ऐसे पीछे मैं उसको दिख गया

वो गाड़ी छोड़ इधर बैठ मेरे गाड़ी पे वो बोले नहीं मैं इसके साथ ही जाऊँगी मैं बोला कि हमारे भाषा में तेलसला नहीं कूँ मतलब तेलुगु में समझता कि नहीं वो बोले नहीं मैं इसके साथ ही जाऊँ तो फिर सा, मेरे साथ क्या किया इतने साल तक ये क्या है फक बोला मैं उसे उसको एक वर्ड बोला तू रंडी है हेवी हो थोड़ा हाँ क्योंकि <laughs> हाँ। मेरा उतना मैं फक हुआ था उससे इतना उसको सपोर्ट कर रहा था उस इतना उसको मैं इतने साल से उसको जेल रहा था उसको उसमें जो भी वो कर रहे थे मैं उसमें हाँ हाँ मिला रहा था फिर भी वो मेरे से ऐसा क्यों जितना मैं ट्रो करता था उतना तू भी करती मुझे कर रही थी या कर रही सोचता शायद वैसा उसका उसका नहीं था वन साइड ही था, समझ सकते हो वैसा अभी इसको मैं जस्टिफाई कर नहीं सकता बिकॉज वो इतना ही चीट कर रही थी मैं मैं हुआ सीधा उसको बोला तो रंडी, रंडी रहेगी इतना बोल के मैं वहाँ से निकल गया एक्चुअली ये सब मुझे पता जब मैं बोला ना कि वो दो 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 घंटे रात में बात कर रही ते, थी पेशेंस लूज हो गया पूरी तरीके से हाँ तो तो वो भी क्यों हुआ था जब मुझे पता चला कि ये लड़की के साथ वो इसका चल रहा है तो मैं वो लड़की से मिलने गया था मैं एक दिन तो तब वो ये ये बोल रही कि मत मिल मत मिल उसे मत मिल मैं उसे कुछ तो मतलब बत, बता देती हूँ मैं फिर भी उसको बिना बताए मैं उससे मिलने का लड़के से कि बाबा हमारे इतने इतने रिलेशनशिप इतने साल का तो बीच में क्यों आ रहा है छोड़ दे वो बोले मेरे कुछ नहीं छोड़ने का तैयार पर वो मेरे पीछे पड़ रही मैं क्या करूँ वो लड़का बोल रहा है फिर मैं बोला उसे आ, कितना दिन हुआ मैं बोला अभी तो तीन फोर डेज हुआ फोर डेज हुआ हमारी रिलेशनशिप में आके कुछ हुआ क्या बहुत कुछ हुआ करके बोला वो लड़का बोला हाँ थ्री फोर डेज में बहुत कुछ हुआ है तो साथ साल से है हाँ। तब मैंने उसको बोला कि नहीं सच तेरे पास प्रूफ है क्या वो बोला प्रूफ मतलब प्रूफ तो नहीं है पर मेरा एंट्री है वो होटल में जाम गए थे अरे बाप आप भी देख सकते हो मुझे विश्वास मतलब विश्वास करूँ या ना करूँ उसका उसके साथ उसका भी एक फ्रेंड था वो बोल रहा था अरे भाई तो कसली पुर गया है तू जमा आई जब आगल सोबत मतलब तू भी क्या उसके साथ उसके पीछे लगा हुआ है वो ऑलरेडी दूसरे के साथ ही सोई हुए है तेरा सेवन ईयर रिलेशनशिप इसका चार दिन चार दिन में इसके साथ सो के आई हुई है और रीज़न पता चलेगा क्यों किया था अभी तक रीज़न नहीं क्योंकि मुझे मेरी गलती नहीं है उसकी गलती है उसको भी पता है अभी तक पता नहीं है तुझे क्या रीज़न रीज़न अभी तक वो पता नहीं है मुझे भी सिर्फ वो बोलते रहे कि वो अभी आगे के बताता हूँ जब वो घर को गई थी मतलब जब मैंने उसका रिटर्न पकड़ा पकड़ पकड़ने के बाद जब वो घर पे गई तो नेक्स्ट डे मैं पूरा उस दिन रात दिन रात में तो मैं सोया नहीं कुछ भी नहीं खाना भी नहीं खाया हुआ था नींद नहीं आया था मैं ट्रैक पैन में था कबीर सिंह जैसा <laughs> माहौल था तो मॉर्निंग सुबह सुबह एट एट ओ क्लाक को उसको पिताजी को फ़र्स्ट टाइम मैंने फोन इतने साल में फ़र्स्ट टाइम फ़ोन किया फ़ोन करके पादा हाँ उसके डैड को ऐसे ऐसे बात करनी है आपकी लड़की ऐसे ऐसे मुझसे धोखा दी वो बोला वो बोला, उसका फादर बोले कि नहीं अपन बाहर मिलेंगे बाहर ही बात करेंगे क्या है नहीं मुझे घर पर आना है घर घर पर कौन कौन है मुझे बताओ घर पर आना है वो बोला कब आ जाओ दोपहर में आ जाओ मैं बोले अब भी मैं तो मैं नहा नहीं था फ्रेशअप भी नहीं हुआ वैसे ही उठ के वैसे ही गया बाइक लेकर कबीर सिंह जैसा चला गया जब उसके घर पे गया तो उसके दादी उसके दादा और उसके दो मामा मॉम डैड और उसके सिस्टर सब जन मेरे लिए रेडी थे रेडी थे जैसे ही मैं अंदर घुसा तो उसको दादी उसको चप्पल से मारना शुरुआत की उसकी दादी उसको मारने को शुरू सॉरी सॉरी अच्छा क्या हुआ जिस दिन उसे चोरने उसको जब जब मैंने पकड़ा था रेड एंड तब तक उसकी सिस्टर गई थी ना घर पे उसको देख को घर पे गई थी तब तक उसकी दादी उसको जब रात में आई ना उसकी दादी उसको चप्पल से मार रही थी कूट दिया हाँ कूट दिया और जब मैंने भी आया तब भी मेरे सामने तो सामने उसको उसका मामा भी उसको मार रहे थे दादी भी मार रही थी मुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं हमारा नाम पूरा मिट्टी में मिलाने के लिए तो पैदा हुई क्या ऐसा करती है क्या फिर उसका उसका मामा मेरे ऊपर आना शुरुआत हो गया तो कौन होता है बताने वाला तू कौन होता है मैं हमारे से बात करने क्यों कह कर रहा हूँ बोला अभी बात नहीं कर रहा हूँ हमारी जो रिलेशनशिप है सेवन ईयर्स रिलेशनशिप है जो है सब रिलेशनशिप था इसको भी उसके सिस्टर को भी पता है उसको ब्रदर को भी पता है इवन उसको मम्मी को भी पता है बाद में पता चला था और उसको तो फादर को भी पता है फिर वो उसके सिस्टर बोली तू जा हम देख लेंगे ना तो उस, उसका मामा है जो, और कुछ हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तू जा हम तो बाद में बाद में बात करते हुए करके मुझे बोले ठीक है मैं वैसे ही जा रहा था तो जो मैंने उसको रिंग दिया था वो रिंग मेरा हाथ में था उसका

उसमें सोने का भी बोल सकते हो थोड़ा सा फिनिशिंग भी था वैसे तो वो बोल रही थी उसके पिताजी को अरे देखो देखो इन्हें ऐसा ही करता है उससे प्यार नहीं करती चुप वो मेरे पीछे पड़ता है मैं बोला प्यार नहीं करती हूँ तो फिर वो लड़की के साथ क्या कर रही थी ये जो जस्ट वो हमारे मेरे फ्रेंड्स थे वो मुझे छोड़ने आया हुआ था तुम इतने बात के लिए तुम इतना बड़ा कर रहे हो बोला ठीक है बोला फ्रेंड्स है ना ठीक है बोला उसको नहीं पता कि मैं वीडियो निकल रहा होता मैं उसके पिताजी को बोला फिर है क्या है देखो बोला वीडियो देखा उसके पिताजी को पकड़ के बैठी हुई है फ्रेंड्स के साथ कोई बैठता है ऐसा पकड़ के उसको पिता भी उसको दो दो धोतप्पड़ मारे फिर भी बंदी इतनी झूठ बात कर रही मेरी इतने मतलब ऊपर पहुँची हुई थी वो फिर भी बता रही थी कि मैं नहीं वो सिर्फ मेरा फ्रेंड ही है सिर्फ मेरा फ्रेंड ही है मार खाने के बाद भी सिर्फ फ्रेंड ही है एक्चुअली वो उसको बता थी कि जो भी मेरा फ्रेंड्स या कोई भी फोन करेगा तो बता दे कि जस्ट फ्रेंड्स ही है उसका बाहर का बाहर चल रहा था इनका बोलते हैं ना फ्रेंड्स बेनिफिट्स वैसा भी उनका दोनों को चल रहा था तो फिर आ, मैंने उसको पिताजी को बोला देखो बोला मैं तो उसके पीछे नहीं पढूंगा वो भी मेरे पीछे नहीं पढ़ना चाहिए नहीं। जो हुआ ठीक हुआ अच्छा अभी हुआ, हुआ मैरिज के बाद ऐसा हुआ तो फिर तब तो मैं नहीं रहूंगा जो भी हुआ अभी हुआ तो अच्छा हुआ कुछ भी नहीं होगा चलो ठीक है तो मैंने घर को गया मैंने तो माफ कर दिया छोड़ दिया उससे मैंने ब्रेकअप ही कर लिया अच्छा मेरा मन पूरा टूट गया था ना अभी दूसरे बंदे के साथ चार दिन में सो क्या हुई उसके साथ तू क्या करेगा लाइफ लॉन्ग क्या ट्रस्ट रखेगा उसके साथ इतने दिन इतने साल तक तो ट्रस्ट कर रहा था फिर भी वो ऐसे ही कर रही थी सो तीन महीने तक मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में था बहुत डिप्रेशन में एक्चुअली मैं ड्रिंक भी करता था तब घर वाले को पता नहीं था जब मेरा ब्रेकअप हुआ तब मैं खुद से भी मेरे घर वाले को पता है कि मैं पीता हूँ सोल्ड ड्रिंक करके भी घर को आता था, था तीन महीना खाना नहीं खाना रूम में बैठना सोना नहीं रात से मोबाइल पकड़ कर बैठना सैड व्यूज़ देखना वो पता ही होगा hmm. क्या रहता सिचुएशन जैसे बाहर ही नहीं तीन महीने तक नहीं निकला था तो मेरा मॉम डैड थोड़ा सा परेशान हो कि मेरे फ्रेंड्स फ्रेंड्स को बताया तो फ्रेंड्स आए मुझे थोड़ा सा बाहर लेकर गए तब से थोड़ा 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 धीरे 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 से धीरे हाँ। धीरे से थोड़ा सा बाहर आ गया था तो वो लड़की जो थी जब घर में पता चला उसके बारे में मेरे साल में तो उसको कूटे बीटे सब करे वन वीक के बाद उसे फिर से वही पे जॉब करने के लिए भेज दिया अरे बाप रे मतलब फैमिली उसका कंटिन्यू हो गया था वो जो कर रही थी कंटिन्यू मैंने बोला इतना प्रूफ दिखा को दिखाया था उसके मोम डैड को लड़की कैसी है जो, मैं बोला सिर्फ उसको जॉब तो मत भेजो इतना बोल के आया हुआ था मैंने फिर भी वो वन 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 वीक वीक में वन भी नहीं हुआ था डेज में फिर से जाना शुरुआत की वो जॉब पे अभी वो फिलहाल अभी पुणे में है और क्या करती है वो भी सब कुछ मुझे पता है ये पर बोल नहीं सकता अभी भी मतलब अभी थ्री हो गया तुम नहीं किया अभी तक मतलब प्रॉपरली नहीं हुआ था नहीं है अभी तक नहीं हुआ वो वो हाँ बोल सकते हो कि याद तो रहेगी पहला पैर आपको पता है कैसा हिस्सा बहुत सेवन इयर्स रिलेशनशिप था ब्रेकअप होने के बाद एक वन मंथ बैक मुझे उसका फ़ोन आया था रात में डेढ़ बजे वैसे तो की बात है वन मंथ बैक मुझे फ़ोन आया था इतने साल में फर्स्ट टाइम फोन आया हुआ था मैं भी उसे फ़ोन करता था कैसा फ़ोन कर दूसरे का फ़ोन लेके सिर्फ़ उसका आवाज़ सुनने के लिए मैं बात नहीं करता था सिर्फ़ उसका आवाज़ सुनने के लिए उसका फ़ोन करता था तो लास्ट वन मंथ बैक उसका फ़ोन आया था मुझे रात में डेढ़ बजे मैं तुरंत उसका फ़ोन उठाया क्या हुआ बोले क्या कर रहा है बोला क्या हुआ इतने रात में फ़ोन किए क्या बात है वो बता बोले एक बात पूछनी थी बोला क्या क्या पूछनी थी बता नहीं तू नहीं रहने दे मैं कल बात करती हूँ बोला नहीं मैं अभी तो फ़ोन किए तो मेरे दिमाग सटक गया अभी मुझे नींद नहीं आएगा क्या है वो मुझे क्लियर करके तू बता बोले नहीं 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 बताती कल बताती हो रहने दो आप सो जाओ मैं बाद में तुम फ़ोन क्यों की मुझे डिस्टर्ब क्यों किया इतने साल में उससे फ़ोन नहीं किया कुछ भी नहीं किया अचानक से अभी फ़ोन करती हो ऐसा पूछती हो क्या समझेगा इंसान तो बोले जो उसकी कॉमन फ्रेंड थी उससे तेरा बात चलती है कि मुझे पूछ रहे। मतलब बात करती है क्या मैं बोला हा, हाँ बात करता हूँ मैं उसे कभी कभी मिल भी लेता हूँ कभी कभी फ़ोन में भी बात कर लेता हूँ बस इतना मुझे पूछना था इसलिए मैंने फ़ोन कर लिया और अपना जो पास में होता उसे भूल जा तो प्लीज़ भूल जा करके फ़ोन कट कर दिया और बाद में मैंने फ़ोन कर कंटिन्यू फ़ोन किया दो तीन बार रिसीव किए मुझे बार बार फ़ोन मत कर मैं बोला तू तो ऐसा क्यों पूछी वो तो मुझे रीजन तो बता पता चल हाँ, क्यों पूछ रही है नहीं नहीं नहीं, नहीं। तू तो मुझे फोन मत करूंगा कुछ हुआ रहे अपने को भी पता हाँ, नहीं। उसके बाद मुझे समझ में आती थोड़ा सा दर, थी, रो रही थी डर गई थी डर गई नहीं मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा रियलाइज कर गई कि कुछ गलत किया मेरे साथ बाद में उसे थोड़ा सा इंटेंशन मिला था ये मेरा प्रॉपर लव स्टोरी था मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी ब्रो तेरा वॉइस अभी bro. भी नहीं अभी अच्छे उसके बाद कभी बोलता हूं मैं जस्ट मैं 3 मंथ्स ही हो जब से मैं बाहर आया हुआ था तो एक लड़की थी वो बोलते हैं ना ड्रीम गर्ल अगर आपको कैसी लड़की चाहिए वैसे अगर आपको मिली तो आप किस्मत अच्छी है वैसे लड़की मुझे

आप इवन नहीं इवन मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते हैं कि अभी जो भी हुआ तो भूल जा अभी तरह बहुत आगे टाइम है नहीं बट एक शादी के बाद नहीं हुआ मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है ऑडियंस से कि हम जिससे भी प्यार करते हो सच्चा प्यार करो या वरना मत करो और अगर प्यार भी करते हो तो उसका फायदा ले लो मगर गलत फ़ायदा मत लो मत लो मरण... फायदा ले लो अच्छी बात है मगर गलत फ़ायदा मत लो सबको होगा

हॉरर की स्टोरी मेरे मेरे पास दो तीन है हाँ। उसमें से उसमें से बहुत मतलब शॉक मतलब बोलते हैं ना नंबर वन स्टोरी वो एक है वो बताऊंगा मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं ये सिक्सटीन की बात है मैं पुणे में गया हुआ था बारह साल पहले हाँ पुणे में गया बारह हाँ सिक्सटीन या सेवनटीन में सॉरी बारह बोल रहे नौ आठ साल पहले आठ हाँ, साल पहले तो पुणे में फ्रेंड्स का इसे वेकेशन के लिए गया था टू टू डेज एंजॉय करेंगे सैटरडे संडे था एंजॉय करके मंडे के फिर से अपना काम अपना करेंगे तो एंजॉय के लिए गया था तो पट्टा वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स का अपार्टमेंट था तो वहाँ रहने के लिए मैं गया हुआ था टोटल वो फोर थे फोर फ्रेंड्स रूम शेयरिंग कर रहे थे उसमें से मैं भी आ गया था दो दिन के लिए तो जो उसके अपार्टमेंट के सामने वाले जो घर था ना उसमें एक लड़की थी उसका फैमिली था मदर फादर एंड वो लड़की बस तीनों ही तो लड़की का और मेरा जो फ्रेंड था एग्जाम्पल एक ओम उसका नाम ओम समझ लो ओम कर वो लड़की का मिलना मतलब दूर से थोड़ा सा स्माइल करना बोलते हैं ना फर्स्ट अट्रैक्शन देखना ऐसे चल रहा था ए उस, उनका कंटिन्यू वन टू मंथ से चल रहा था कभी भी बात नहीं हुआ सामने सामने जाकर सिर्फ स्माइल करना उसको भी पता था कि ये लाइक करता है इसको भी पता है कि वो भी लाइक करती है तो एक दिन क्या हुआ दोस्त लोग मतलब मिले तो सब पीना वीना दारू बरू ये तो कॉमन ही है सो हम लाए थे दारू वगैरह चालू किए पीना वगैरह चालू किए एक फोर्टी नाइन्टी मार नाइन्टी पीने के बाद डोर नॉक हुआ था हमारा टी वी डी जे जे सब मॉल कैसे रहता है सब फ्रेंड्स मिलने के बाद वैसा था माहौल तो फिर डोर नॉक हुआ मैं गया डोर के पास देखा तो वो लड़की ठहरी हुई थी घर से दरवाजे के उस साइड वो बोल रही कि मैं तो अंदर आऊँ गया मैंने बोला क्या हो इतने रात में क्यों आई है मुझे भी पता था कि लड़की कुछ तो है इसके साथ मेरे फ्रेंड्स के साथ नहीं उसको होम से मुझे मिलना है तो आओ क्या अंदर बोला आप टाइम कितना हुआ रात को डेढ़ बजा हुआ था एक थे, हाँ एक थे वन थर्टी कुछ समथिंग कुछ हुआ था बोले इतना रात में तो आएगी तो आजू बाजू वो देखने वाले क्या समझेंगे और मेरे जो बाजू का जो रूम था उधर भी आ, रूम शेयरिंग में फ्रेंड्स रहते थे वो चार बंदे वो भी लेट नाइट सोते थे अगर वो देख लेंगे तो तेरे बारे में कुछ गलत समझेंगे हाँ तो मैंने बोला जो भी बात है कल बात कर ले नहीं मुझे अभी बात करनी है अंदर आओ क्या वो बार बार बोल रहे कि अंदर आओ आऊँगी मैं मैं बोला हम दारू पी रहे हैं सब लड़के पिए हुए अगर तू अंदर आएगा तो अलग ही मैटर है तुम आता क्या है तू कल बात कर और उसके सामने मैंने डोर लॉक किया मैं जाके बैठा फिर एक दस पंद्रह मिनट के बाद फिर से नॉक होता है फिर फिर से मैं जाता हूँ फिर से मैं ही क्यों जाता हूँ क्योंकि जो डोर था ना उसके पास मैं ही बैठा हुआ था तो so, मुझे इजी पड़ता था कि जाने के लिए खुलने हाँ खुलने के लिए इसलिए मैं जा रहा था तो फिर फिर से मैं उससे बात किया हूँ फिर से वही उसको बोला कि मत कर अभी मत आ जो भी बात रहेंगे तो कॉल तो कर या कल तो बात कर अभी तू मत आ घर में क्या बात है मुझे बता मैं उसको बताता हूँ नहीं, नहीं। मुझसे उसको बताया नहीं सिर्फ अंदर आओ क्या मैं बोला बाबा बोला नको तू घर में जा घर सामने तेरे मम्मी पापा रहेंगे तो तू जा करके मैं लॉक किया हूँ लॉक करने के बाद तब तक मेरा दोस्त क्या हुआ था उन जो होम था वो उधर जाके बैठा हुआ था तो फिर जन्म चोड़ में इधर आके बैठा हु तीसरी बार जब नाकोआ तो वो मेरे फ्रेंड्स गया डोर को खुलने के लिए फिर दस पंद्रह मिनट अभी तक वो नहीं आया बोला क्या हुआ वैसे भी जा मैं देखने के लिए जाने वाला था तब तक वो आ गया बोला क्या हुआ नहीं वो वही सामने वो लड़की आई थी बात की बात करने बोला क्या बात की ऐसे पर्सनल है थोड़ा बात की थी वो इतना देर दस पंद्रह मिनट बोला ऐसा था रहता है छोड़ दे ऐसा मुझे बोला ठीक है बोला फिर मैं दारू बारू इनका होल चल ही रहा था मैं बोला फिर खाने के लिए कुछ लाता हूँ मैं चाइनीज और कुछ क्या मिलेगा मैं लाता हूँ करके मैं जा रहा था नीचे नीचे जाने के बाद मैं पार्सल को आ रहा था तो ऊपर जो मेरा आ, मेरा जो रूम था उधर का लाइट बंद चालू बंद चालू होता जब बंद चालू होता वहाँ वहाँ पे दिख रहा था, था, वार, वार रहा था। मतलब जब बंद होता है ना तो बाहर का भी जो लाइट रहता है ना उसका शाडू पड़ के वहां पे लेडी फिगर का शाडू दिख रहा था जब लाइट आता है तो सब कुछ भी नहीं दिख रहा हाँ, रहा है गायब हो था उस टाइम में दिख रहा था क्या बोला एक दो बार देखा मुझे बोला अब पिए हुए कुछ तो कुछ हाँ, है। कुछ तो कुछ रहेगा लाइट ले आऊ जाके रूम में बैठा हूँ सब सब लोग खाए पिए सब कुछ करे जो रूम में सोने के लिए गए तो फिर मेरा फ्रेंड गया पहले सोने के लिए जो ओम था वो वो दीवार की तरफ मुंह करके सोया हुआ था फिर उसको क्या दिखा दीवार में रात में पूरा ब्लैक शेडो लेडी फिगर रेड रेड आइज और उसके पीछे वाइट कलर का फोकस लेडी पूरा बाल ऐसे पूरे हिल रहे हैं वो लड़की तुझे देख रही उसको नहीं दिख रहा लेडी फिगर है इतना कंफर्म था सिर्फ आइज दिख रहे थे फिर बोला उठा उठ के फिर से सोने लगा उसको वही तो बोला मुझे नींद नहीं आ रही है तू जाके सो जा मैं हॉल में सोता हूँ तू रूम में जाके सो जा ठीक है बोला फिर मैंने सोया सेम फीलिंग मुझे भी क्योंकि सब मैं फर्स्ट टाइम देखा हुआ था सामने सामने से ठीक है बोला फिर उसके बाद मैंने बोला मुझे भी नींद नहीं आ रही तुझे जो सेम दिख रहा था मुझे भी सेम दिख रहा है फिर तीसरा फ्रेंड मेरा तीसरा फ्रेंड भी गया सोने के लिए उसको भी वही है सेम रीज़न सेम सेम रीज़न अगर एक कोई हो तो नहीं हो सकता है कि तीन तो हाँ, यार हाँ, फिर मैं हॉल में जाके सो गया मॉर्निंग सेवन ओ हुआ सेवन हाँ सेवन ओ सामने से रोने की आवाज़ आ रही है सामने के घर में से उसकी आवाज़ की वजह से तब मैं हैंगआउट में ही था हैंगआउट हुआ आ, हुआ था तो सामने देखा तो सब पूरा गर्दी सब पब्लिक आजू बाजू वाले सब जन रो रहे थे बोला काका क्या चला का, है क्या हुआ उधर बोले ऐसे ऐसे वो लड़की रहती ना वो फाशिले को रात में ख़त्म हुई हाँ फिर बोला भाई रात में कितने बजे बोला रात में नहीं एक्चुअली एक दो दिन पहले वो फाशिले को मरी अच्छा दो दिन बाद उसका बॉडी निकाला, हाँ, निकाला। एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन वो वो मॉम डैड नहीं थे अकेली आके, थी लड़की तो मैंने बोला फिर मेरे फ्रेंड्स लोग सब शौक में एक दूसरे को चेहरे देख रहे थे ये क्या कल रात में तो आई थी फिर जब मेरा फ्रेंड्स को दूसरा जो ओम था उसका मैंने पूछा है क्या हुआ जब क्या तू तू भी देखा ना बोले मैं भी देखा हूँ वो तो बात किया ना हाँ मैं तो बात किया उसका अंदर भी लेके आया हूँ मैं तब बोला अरे तू अंदर का एक कुल क्या है अंदर ले लेके मतलब उसको अंदर आना चाहती थी तेरे से मिलना चाहती थी इसलिए तो मैं नहीं उसको बार बार नहीं मना कर रहा था तो उसको डायरेक्ट तो अंदर लेके आया अगर तेरा साथ कुछ गलत होगा तो, तो, तो क्या करेगा फिर आ, मैं बोला भाई मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ मैं जा रहा हूँ मेरा तूफान को भी निकल गया निकल गया, जाने के बाद जस्ट मैं मतलब मेरे गाँव में सोलापुर को आने के जस्ट स्टेशन में था तक मुझे मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन आता है तू रीच हुआ क्या मैं बोला रीच हुआ तो रिच तो हुआ है पर ये तो अलग रीच में चल रहा है बोला क्या हुआ ये घर में कोने में बैठा हुआ है रो रहा है किसी से तो बात नहीं कर रहा है ओम तो बात कर तू तो बात कर उसे मैं बोला भाई मेरा उसको मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा कुछ तो हुआ है उसको उसके साथ उसको तू यहाँ से पहले उसको भी निकाल को उसको भी ले के आ यहाँ पे पहले बोले नहीं, ऐसा कैसा हमारी जॉब है जॉब करना चाहिए अभी अब सैटरडे संडे अभी तो हुआ है अभी हम मतलब हॉलीडेज नहीं नहीं ले सकते ठीक देखते तुझे जब जब टाइम मिलेगा तब तू उसको लेके जा तो कहाँ तो दरगाह या कहाँ तो मंदिर में जाके दिखा को तो लेके आ सिर्फ एक दो दिन के लिए तब तक शांत नहीं रहना चाहिए फिर ठीक है उसको दिखाया वगैरह उससे उस कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा

कॉमन वॉल था वो ऐसा था मतलब ऐसे में इधर हाँ, हाँ, इधर एक हाँ, इदरे हाँ, 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 आमने सामने ही डोर्स थे जो कॉर्नर था ना दोनों को कॉर्नर वो एक साथ मैच होता था एक साइड पे ऐसा था तो फिर उसको सोलापुर पे ले सोलापुर में लेके आए फिर गानगापुर में लेके गए उसके बाद थोड़ा सा धीरे 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 उसका कम होते गया एक मेरा लाइव देखा हुआ था सीन गांगापुर भी बहुत

तो दिवाली की छुट्टी थे तो मैं दादी के यहाँ गया होता दिवाली मना मनाने के लिए एंजॉय करने के लिए दिवाली जब हुआ बाद में मैंने जब घर पे आया हमारे तो सामने वाले जो घर था वो रेंट पे दिया हुआ था हमने तो वहाँ पे लोग रहते थे उस तीन लड़की रहती थी दो लड़के रहते थे उसके माँ बाप थे उसमें से बड़ी लड़की को पोजीशन हुआ था एक्चुअली क्या हुआ था रात में वो निकल के बाहर गई हुई थी जस्ट उसका एंगेजमेंट हुआ था एंगेजमेंट के वन वीक के बाद वो दोनों मिल के कई बाहर गए हुए थे hmm. रात में देर से आए थे बारह समथिंग एक बजे कुछ घर पे आए थे hmm. वो भी वो जाते टाइम ना वो पूरा वाइट ड्रेस पहन के बाल खुला छोड़ के परफ्यूम वगैरह लगा के गई हुई थी जब आई दूसरे दिन से उसका हरकत चेंज करना hmm. शुरू हुआ चेंज हुआ और उसको बाई का उसका ब्रदर का नाम था दत्तू दत्तात्रेय उसको सब लोग दत्तू दत्तू शॉर्ट शॉर्ट में सब प्यार से बुलाते थे दत्तू करके जब भी उसके सामने दत्तू करके नाम आता था वही उसमें गुस्से पर आती थी तुम उसको दत्तू करके मत पुकारो मुझे गुस्सा आ रहा है बोले पहले तो गुस्सा नहीं आता अभी क्यों आ रहा है गुस्सा लगने लगा हाँ क्योंकि भगवान का नाम है अगर भगवान का नाम लेंगे तो ये एंटिटी को थोड़ा तो सा गुस्सा आने वाला है ऐसा ही कुछ था ये बात मुझे नहीं पता था ये पोज्यूशन हो गया थ्री फोर डेज हो गया उसका चालू है मतलब बाहर से कुछ लोग आ रहे कर रहे जा रहे पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसे ये मुझे पता नहीं था मैं जस्ट आया हुआ था तो मैंने खाना खा लिया खाना खा के अपना प्लेट लेके ऐसे जाना ही वाला था ऐसा मेरा नज़र उसके उनके घर पे यहाँ चली गई तो वो पूरा ऐसे बैठी हुई थी नीचे मुंडी था हाकी ऐसे वैसे ऊपर मुझे देख रही थी पूरा रेड आइस मुझे देख रही थी मैं वहाँ फर्स्ट टाइम देखा था वहाँ पे प्लेट वहाँ पे वा, वहाँ वा, के वहाँ छोड़ दिया घर में भागा मम्मी को बोला मम्मी ऐसा ऐसा वो दीदी देख रही है क्यों देख रही है मम्मी बोली अरे तू तिकड़ा तिकटा कहा तू उधर क्यों देखा है मराठी बोलते हो नहीं तेलुगु बोलते हाँ तेलुगु हा, ते तो मम्मी उधर तू क्यों देखा है बोला क्या हुआ मम्मी बोली कि ऐसा ऐसा उसको पोजिशन हुआ है तो उधर मती जा तू दूर रहे तब से मुझे थोड़ा सा डरना शुरू हो गया जब भी उसे बाहर जाने के लिए जाता है, तो उसे देखता ही नहीं था ऐसा जा रहा था <laughs> गलती से भी नहीं देखना चाहिए तो फिर मेरे फ्रेंड्स को मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं क्रिक, क्रिकेट खेल रहा था गली में गली में क्रिकेट खेल रहा था तो घर में से वो बाघ के बाग की आ ही भाग भाग बाग की आ रही थी तो सामने जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सब लोग भाग रहे थे एक्चुअली एक दिन क्या हुआ मैं क्रिकेट खेल रहा था बाहर मेरे फ्रेंड्स के साथ वो भाग के आई ना तुम्हारे पास हाँ वही ना मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मेरे दोस्त मुझे देख के सब लोग भागने लगे थे मुझे लगा मुझे क्यों देख के भाग रही है मैं उसको पुकार रहा था क्या हुआ मेरी बैटिंग चालू हुई थी इसलिए तुम भाग रहे क्या तो इतने में वो मेरे सामने आती है घुटने में नीचे बैठ जाती है और मुझे देखती है कैसा लगेगा मैं वहाँ क्यों वहाँ बैट छोड़ के घर पर भाग के आया फिर उसके बाद क्या हुआ सेकेंड डे वो अपन कवड़े खेलते हो ना वो खेल खेल रहे थे उस, उनके घर वाले को साथ मैं भी बैठ के खेल रहा था तब वो आती है हाकि मेरे पाझे में बैठती है मुझे बोलती है कि डर मत मैं छोटे बच्चे को कुछ भी नहीं करता जो भी करता हूँ बड़म को करता हूँ तू डर मत तुझे कुछ भी नहीं करूँगा मैं तो सिर्फ मेरे साथ एक कवड़ा खेला ये मेरे साथ एक तो ये गेम खेल मम्मी बोली ठीक है ठीक है देख ले कर ले तो तू अकेला ही है अगर तुझे भी कुछ हो, जमा जा हो जाएगा भी आ, मैं, मैं भी डर गया था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वैसा देखा हुआ था मैं तब छोटा भी था फिर उसके साथ मॉर्निंग दोपहर 12 बारह बजे शुरुआत के मॉर्निंग थ्री ओ क्लाक तक कंटिन्यू था गेम दोपहर में बारह बजे जो जो स्टार्ट किया हुआ था रात में तीन बजे तक कंटिन्यू गेम चला और हर एक गेम जो है ना मैं ही विन कर रहा था जब भी मैं विन होता हूँ वो तब तो वो मुझे गुस्से से देखती है बड़े आके करती है नहीं फिर से खेल मुझे जीतना फिर से खेल ऐसे कंटिन्यू मुझे खिला रही थी तो, तो कंडाला नहीं है मैं डर 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 रहा था सामने बैठी है और कैसी है उसके अंदर एक आत्मा नहीं थी नहीं। चार लोग थे एक मराठा क्रिश्चियन और एक बोलते लंबाड़ी बोलते ना वो एक थी और एक उसकी सासू माती जो नया जो एंगेजमेंट हुआ था ना वो सासू माती ये वो बाद में पता चला चार एंटिटीज की उसके अंदर उसको गाणापुर को लेके गए वहाँ पे वो तीन एंटीटीज गए लास्ट एक था उसका जो मदर इन लॉ थी वो थी तो उसका लास्ट क्विश थी कि मुझे चिकन मटन वगैरह सब कुछ ला के रख दो मैं इसको छोड़ के चली जाऊँगी वैसे किया बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया क्रेजी स्टोरीज ब्रो बहुत क्रेजी स्टोरीज है मतलब सुन के ऐसा लगा कि भाई <laughs> बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया बट थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग भाई यू केम ऑल द वे फ्रॉम सोलापुर एंड यू हैव मतलब आपने इतने सारे स्टोरीज बोले हैं मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो भी मैं सुन रहा है इतना ये करके मेरा ऐसा पूरा एनर्जी ड्रेन हो गया तो भी बोला अरे इंटरेस्टिंग स्टोरीज है बहुत क्रेजी एंड आई थिंक थोड़ा मेडिटेशन या फिर

यही कहना था आ, जो आप प्यार समझते वो प्यार प्यार नहीं होता 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 है 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 जस्ट रियल जो प्यार होता है, वो माँ बाप का ही होता है जो जो बाप रियल प्यार देते हैं ना कभी वो लड़के नहीं दे सकती है वो जस्ट है हुँ, हुँ, बस वही प्यार समझ के गलत nice. ये वीक में ही डाल दूंगा ये

वेल एनीवेज थैंक यू थैंक यू इंटरेस्ट कैसा था जो लड़की है मतलब आप दिल को नहीं लग रही है hmm. जब तक दिल को नहीं लगता जब तक इधर नहीं जाएगा hmm. ऐसा है ही बात वही वेल लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग आई होप यू लाइक द पॉडकास्ट इफ यू लाइक द पॉडकास्ट यू नो व्हाट टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो करो एंड इफ यू आर लिसनिंग ऑन स्पॉटिफाई मेक श्योर दैट यू गिव अ फाइव स्टार रेटिंग एंड स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट प्लीज शेयर करो वी आर डूइंग समथिंग स्पेशल ऑन स्पॉटिफाई मतलब हम लोग ट्राई करेंगे कि एक दिन पहले स्पॉटीफाई पे डालें और बाद में YouTube पे डालें तो आपको अगर स्पॉटीफाई पे देख रहे हो तो फाइव स्टार रेटिंग करो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो क्वेश्चंस देंगे क्वेश्चंस पूछो आपको सुपर चैट देना है यूट्यूब पर तो आप सुपर चैट दे सकते हो आपको अगर मेंबरशिप लेना है तो इट स्टार्ट फ्रॉम एटी नाइन रुपीज ऑनवर्ड्स बाकी आई थिंक सो यू नो वॉट टू डू टिल देन बाय बाय शबाकेट टेक केयर वॉट एवर इट इज पीस आउट राम राम साइनिंग ऑफ दिशा कट